Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Now I am starting today's lecture. Exercise 12A. Last question hai, question number 8. Draw a line segment AB of suitable length. Draw karni hai ek line segment AB kisi bhi suitable length ki. Take a point P outside it. Take karna ek point P outside it. Using a ruler and set squares. Use karna ruler or set squares ko. Draw a line QR. Draw karni hai ek line QR through P parallel to AB. Jo P point se पास करे और वो पैरेलल हो ए बी लाइन के. स्टूडेंट्स इसमें हमने फर्स्ट में ए बी लाइन ड्रा करनी किसी भी सूटेबल लेंथ की. अब स्टूडेंट्स ए बी से अबव एक पॉइंट पी लेना है. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट में क्यू आर ड्रा करनी है लाइन जो पॉइंट पी से पास करे. अब स्टूडेंट्स जो क्यू आर लाइन है वो पैरेलल है ए बी लाइन के. तो स्टूडेंट्स क्यू आर लाइन इज द रिक्वायर्ड लाइन. ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स. फर्स्ट में है ड्रा ए बी लाइन ऑफ एनी सूटेबल लेंथ विद द हेल्प ऑफ रूलर. ड्रा करनी है एक ए बी लाइन किसी भी सूटेबल लेंथ की रूलर की हेल्प से. टेक पॉइंट पी अबव लाइन बी ए बी. टेक करना है एक पॉइंट पी लाइन ए बी के अबव. नाउ ड्रा लाइन क्यू आर लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट पी. नाउ अब ड्रा करनी है लाइन क्यू आर विच जो पास करे थ्रू पॉइंट पी. पी पॉइंट के थ्रू. फोर्थ में स्टूडेंट्स क्यू आर लाइन इज पैरेलल टू ए बी लाइन. जो क्यू आर लाइन है वो पैरेलल है ए बी लाइन के. तो स्टूडेंट्स क्यू आर लाइन इज द रिक्वायर्ड लाइन. जो क्यू आर लाइन है वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है. ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थे क्वेश्चन नंबर 8 के. अब है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12B की डेफिनेशंस. एंगल्स हैं adjacent angles have a common vertex. adjacent angles में common vertex होता है, one common arm होता है और वो lie करते हैं opposite sides of the common arm. In the figure, इस figure में students angle AOB, angle AOB और angle students BOC, ये students adjacent angles है because the angles share a common vertex O. ये share कर रहे हैं common vertex O. कॉमन वर्टेक्स ओ और द आर्म ओ ए ऑफ एंगल ए ओ बी. जो आर्म है ओ ए एंगल ए ओ बी का और जो आर्म है ओ सी एंगल बी ओ सी का. लाए ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ओ बी. वो लाए कर रहे हैं ऑपोजिट साइड ओ बी के. टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री. दो एडजेसेंट एंगल्स को हम कह सकते हैं कि वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स अगर उनका सम इक्वल हो 90 डिग्री के. इफ द साइज ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज गिवन We can find the other angle. अगर साइज एक एंगल का गिवन हो हम दूसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं. ये स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के लिए ये डायग्राम है. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी सच दैट मेन एंगल ए ओ बी इक्वल 55 डिग्री के. अब स्टूडेंट्स हमने कंसिडर करने हैं दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी. इसमें मेजर एंगल ए ओ बी इक्वल है स्टूडेंट्स 55 डिग्री के. मेजर एंगल ए ओ बी प्लस मेजर एंगल बी ओ सी इक्वल 90 डिग्री के. 55 डिग्री मेजर एंगल ए ओ बी थी प्लस मेजर एंगल बी ओ सी हमने ये फाइंड करना है इज इक्वल टू 90 डिग्री. मेजर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. 55 डिग्री राइट साइड पे आके माइनस हो गया माइनस का 55 डिग्री. लास्ट टाइम में स्टूडेंट्स माइनस किया तो मेजर एंगल बी ओ सी इक्वल आ गया 35 डिग्री के. टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. टू एडजेसेंट एंगल्स को हम कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर उनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो. इफ द साइज ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज गिवन अगर उस साइज वन एंगल का गिवन हो वी कैन फाइंड द अदर एंगल. हम अदर एंगल को फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एंगल डी ई एफ एंड एंगल एफ ई जी सच दैट मेजर एंगल एफ ई जी इज इक्वल टू 110 डिग्री. ये दो कंसिडर करें सप्लीमेंट्री एंगल्स एंगल डी ई एफ और एंगल एफ ई जी. मेजर एंगल एफ ई जी इक्वल है 110 डिग्री के. ये स्टूडेंट्स डायग्राम है. मेजर एंगल डी ई एफ प्लस मेजर एंगल एफ ई जी इक्वल है स्टूडेंट्स 180 डिग्री के. मेजर एंगल डी ई एफ हमने फाइंड करना है प्लस 110 डिग्री मेजर एंगल एफ ई जी थी ये इज इक्वल 180 डिग्री. मेजर एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री. 110 डिग्री राइट साइड पे आके माइनस हो गया माइनस करेंगे तो मेजर एंगल डी ई एफ इक्वल आ जाएगा 70 डिग्री के. टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. जो दो नॉन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म हो इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस है वो ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं. ये स्टूडेंट्स डायग्राम गिवन है. इन द फिगर फोर एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. फिगर में चार एंगल फॉर्म होते हैं जब ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे. ऑफ दीज एंगल वन और एंगल थ्री है स्टूडेंट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और एंगल टू और एंगल फोर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. ऑब्जर्व दैट इन फिगर एंगल वन एंड एंगल टू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. ऑब्जर्व करें फिगर में एंगल वन और एंगल टू ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं. द फॉलोइंग आर अदर पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. अदर पेयर जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स के वो फॉलोइंग है.
फर्स्ट में है मेजर एंगल 2 और मेजर एंगल 3, मेजर एंगल 2 और मेजर एंगल 3 ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है, मेजर एंगल 3 मेजर एंगल 4 ये भी सप्लीमेंट्री है, और स्टूडेंट्स मेजर एंगल 1 एंड मेजर एंगल 4 ये भी सप्लीमेंट्री है, सिंस मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री एंड मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 ये भी इक्वल 180 डिग्री, मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 4 ये इक्वल होगा मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 के, तो स्टूडेंट्स मेजर एंगल 1 इक्वल होगा मेजर एंगल 3 के। लास्ट है आपकी डेफिनेशन एंगल्स इन अ ट्रायंगल, अ ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, एक ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, जो सम होता है एंगल्स ट्रायंगल का वो इक्वल होता है 180 डिग्री के, थस इन अ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी ये इक्वल होता है 180 डिग्री के, दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू फाइंड द अननोन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी तब यूज करते हैं जब अननोन एंगल फाइंड करना हो ट्रायंगल का, व्हेन टू एंगल्स आर नोन, जब दो एंगल नोन हो। स्टूडेंट्स टुडे योर एक्सरसाइज 12 वे लास्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज 12 बी इंट्रोडक्शन हैव बीन कंप्लीटेड, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12 वे एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 12 बी देन यू विल कमेंट मी, इफ यू लाइक माई वर्क प्लीज लाइक माई वीडियो, मे अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल विद हिज स्वीटेस्ट ब्लेसिंग्स, अल्लाह हाफिज़।